हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज वीडियो। यूपीएससी की तैयारी करने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, क्योंकि इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद पावर एंड प्रेस्टीज के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। जैसे कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि यह एग्जाम बहुत टफ होती है और साथ ही साथ वैकेंसीज भी काफी कम होती है, वास्ट सिलेबस होता है, कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स के मन में प्रिपरेशन को लेके काफी सवाल होते हैं। कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सिविल सर्विसेज पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर साल ये एग्जाम मई मंथ में कंडक्ट की जाती है, मोस्टली लास्ट संडे को एग्जाम होती है। इसका नोटिफिकेशन मिडिल ऑफ फरवरी में आ जाता है। नेक्स्ट जानते हैं इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। यू कैन अपियर इन दिस एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया, जो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 32 इयर्स तक के 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 32 इयर्स में 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज अप टू द एज ऑफ 35 इयर्स यू कैन गिव 9 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है, दैट इज अप टू 37 इयर्स यू कैन अपियर इन दिस एग्जाम एन नंबर ऑफ टाइम्स। रिजर्व कैटेगरीज के लिए, दैट इज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिटरमाइन नहीं किए गए हैं, उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग एज क्राइटेरियाज है, कुछ डोमिसाइल्ड पीपल के लिए अलग एज क्राइटेरिया है, डिसेबल्ड सर्विसमैन के लिए अलग एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जानते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम 3 फेज में कंडक्ट होती है। स्टेज 1 प्रीलिम्स होता है, स्टेज 2 मेंस होता है, स्टेज 3 इंटरव्यू होता है। फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम जनरली जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 को जनरल स्टडीज पेपर 2 या सीसैट भी बोलते हैं। ईच इंडिविजुअली 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि सीसैट जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मींस आपको 200 मार्क्स में से 33% मार्क्स क्वालिफाइंग करने पड़ेंगे। अगर आपके 33% मार्क्स या उससे ज्यादा नहीं आए तो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 करेक्ट नहीं होगा और आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसलिए क्वालिफाइंग नेचर कहा जाता है कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल लिस्ट निकालने पे। तो मेंस के लिए जो लिस्ट निकलती है वो 200 मार्क्स के बेसिस पर निकलती है मेरिट लिस्ट, जो कि जिसको पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं किया तो आपको मेंस में अपियर होने का मौका नहीं मिलेगा, बट मेरिट लिस्ट आपकी 200 मार्क्स पर ही डिपेंड करेगी। सेकेंड स्टेज मेंस की होती है, जिसका टोटल 1750 मार्क्स का होता है। थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू की, जिसमें 275 मार्क्स की इंटरव्यू होती है। ग्रैंड टोटल अगर हम मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला दे तो ग्रैंड टोटल 2025 मार्क्स से आपकी फाइनल कॉल आती है, फाइनल सिलेक्शन होता है आपका। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक गलत आंसर आपने मार्क किया तो आपका 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर एक कैंडिडेट ने 2 आंसर्स मार्क कर दिए तो वो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि वो रॉन्ग आंसर है और उससे भी मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आपने स्पेस ब्लैंक छोड़ दी तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कुछ बातें हैं जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मालूम होनी चाहिए, वो है फर्स्ट, टाइम नीडेड टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। When should I start preparing for UPSC exam?
इस एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए 10 से 12 मंथ लग जाते हैं। आप आफ्टर ग्रेजुएशन या बिफोर ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपेयर करना, बट इस बीच जब 10 से 12 महीने होंगे उसमें आपकी एग्रेसिव प्रिपरेशन की जरूरत होगी। यू विल हैव टू पुट इफेक्टिव एंड आइडियल नंबर ऑफ आवर्स इन प्रिपरेशन। ये क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन की बात नहीं है, ये क्वालिटेटिव प्रिपरेशन की बात है कि अगर आपने 4 घंटे लगाए हैं या 4 घंटे की सीटिंग करी है तो 4 घंटे में आपकी कितनी इफेक्टिवली क्वालिटेटिव पढ़ाई हुई है कि आपको पढ़ा हुआ सारा ध्यान है। एवरी डे यू शुड टारगेट 2 सब्जेक्ट्स, कीप मेकिंग नोट्स, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। देयर इज नो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, यू शुड एक्चुअली स्टार्ट प्रिपरेशन एज सून एज यू डिसाइड टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन करने से पहले आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करें कि आपको ये प्रिपरेशन करनी क्यों है, क्या चीज है, क्या मोटिवेशनल लेवल है, वो आपको अच्छे से समय लेके सोचना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट लेके सिलेबस को ब्रेक करें, स्मॉल कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस में हिस्ट्री एक ब्रॉड टर्म दिया हुआ है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी सब कंपोनेंट्स है, उस सारे सब कंपोनेंट्स को आप प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में ही समझ लीजिए कि क्या क्या हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या डिमांड है। सिलेबस को लेने के बाद में एक लिस्ट बनाइए, आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं अच्छे लगते हैं या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ना तो वैसे भी आपको सारा ही है लेकिन जब आप सिलेबस को उठाते हैं प्रिपरेशन इनिशियल फेज में तो बोरिंग सब्जेक्ट से आपको डिमोरलाइजेशन होगा, तो उससे बेटर है कि आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको अच्छे लगते हो। किसी को हिस्ट्री पसंद है तो वो हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, किसी को पॉलिटी पसंद है तो वो पॉलिटी से स्टार्ट करे प्रिपरेशन। इससे मोमेंटो बना रहेगा, आप स्पीड पकड़ लेंगे और सिलेबस को आप जल्दी कवर कर पाएंगे। पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है। नो डाउट सिलेबस इज वेरी ह्यूज, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने सिलेबस के बारे में कुछ नहीं सुना होगा। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू मस्ट हैव रेड अबाउट और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। यही सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बनके हमारा सिलेबस बना है। सिलेबस को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो 2 टाइप के सब्जेक्ट्स है, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में कोई भी करंट अपडेट्स नहीं होता है, आप वो जैसा है बस वैसा ही रहेगा और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, वो हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी है। ऐसे ही कुछ नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट्स है जिसमें रेगुलरली करंट अपडेट करना होगा, उसे हम नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट्स कह देते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको रेगुलरली करंट अपडेट करते रहना पड़ेगा। प्रिपरेशन के इनिशियली आप इस तरीके से समझिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो आप सीसेट को इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि सीसेट भी उतना ही हार्ड है, उतना ही टफ है, उसका पेपर उतना ही एनालिटिकल आएगा भले ही क्वालिफाइंग नेचर का क्यों ना हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन लेंथी प्रोसीजर है लेकिन उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। सपोज यू डोंट एंजॉय योर प्रिपरेशन, यू विल एंड अप मिसिंग ऑल थिंग्स, यू विल डेविएट फ्रॉम टास्क एंड टारगेट्स डेली, नेगेटिव थॉट्स विल डिस्ट्रैक्ट यू। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कॉरपोरेट में ज्वाइन हो जाता, वहां पे अच्छी सैलरी कमाता, ये सारे सवाल आपको रोजाना आएंगे। जैसे ही आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ऐसे ख्याल आएंगे, लेकिन आपको इन सवालों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फोकस करना है और हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि आपने ये प्रिपरेशन करने की स्टार्टिंग क्यों करी थी। ये एग्जाम पेशेंस, पैशन, परसिवेरेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड का ही है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आप उतने जल्दी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो जाएंगे। जो भी टारगेट टास्क आपने डिटरमाइन किया है, सपोज आपने एक दिन मिस कर दिया तो वो प्रोकास्टिनेशन हमेशा के लिए हो जाएगा। पहले ही टाइम आप उसको प्रोकास्टिनेट ना करें, मिस ना करें। रेगुलरली 1 साल 1.5 साल 2 साल जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मोमेंटो को आप बनाए रखिए। किसी भी एग्जाम को फेस करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होगी। आपने वो कोट तो सुना ही होगा, एन आर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू
10 hours of doing, जो कि बहुत ज्यादा हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप 5 महीने ले, 4 महीने ले, 2 महीने ले, लेकिन अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से प्लान करिए। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। सेशन की शुरुआत में सेट माइक्रो गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड व्हेन यू कंप्लीट ईच ऑफ दोस टास्क यू विल फील मोटिवेटेड। और आपने जो प्लान बनाया उसे डेविएट नहीं होना है। स्टिक टू द प्लान, डू नॉट डेविएट इवन इफ यू फील दैट यू हैव स्टम्बल्ड अपॉन सम ग्रेट मटेरियल। जो आपने पढ़ाई के मटेरियल आपने चूज किया है, बस उसी को ही पढ़ना है आखिरी तक के। डेविएट नहीं होना है किसी के भी बोलने पे, चाहे कोचिंग क्लास वालों के बोलने पे, चाहे किसी भी वीडियो के बोलने पे, या किसी भी तरीके से आपको मटेरियल अपना चेंज नहीं करना है। जब प्रिपरेशन करें तो तीनों फेज को आप कंसिडर करके चले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहले मैं मेंस तो देख लूं, या पहले मैं प्रीलिम्स तो देख लूं फिर मैं मेंस देख लूंगा, अगर पहले मेंस हो जाए फिर मैं यार इंटरव्यू के लिए देख लूंगा। ऐसे नहीं, ऑल थ्री स्टेजेस आर कंप्लीटली इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट। आप प्रिपरेशन ऐसे ही करें कि आपको तीनों फेज एक साथ क्वालिफाई करना है। एनसीईआरटी प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स। अब आपको पढ़ के खुद ही डिटरमाइन करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आया है। आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ हिस्ट्री फर्स्ट, क्यों? हिस्ट्री सारी चीजों का बेस है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार पढ़ लेते तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इवन हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप पॉलिटी भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिलेबस को समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि इससे हमें पता चले कि हमें सिलेबस को किस नजरिए से देखना है और उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करके हमें आगे पढ़ाई पर फोकस करना है, और प्रीलिम्स किस तरीके का नेचर का है। सी, यूपीएससी प्रीलिम्स इज मोर अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। उसमें फैक्चुअल कंपोनेंट्स भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, बस वही है, करंट अफेयर्स ही है, ऐसा नहीं है। उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस करंट अफेयर्स तीनों को मिक्स करके आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी एनसीईआरटीज को पढ़ के या बेसिक प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ के ही आएगी, और कुछ अपने आप से सवाल करने से आएगी। जैसे सपोज ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, With reference to communication technology, what is or are the differences between LTE and VoLTE? ये question आपने नहीं सोचा होगा कि ये आ जाएगा, but जब आप mobile देखते हैं आप हमेशा ये चीज देखते हैं, LTE and VoLTE, ये signs आते रहते हैं। अब आपको अपने आप से question करना है कि ये sign है क्या, मैं इसके बारे में detail करता हूँ, detail पढ़ता हूँ। आपने इस टर्म को सोच के बस सिर्फ इग्नोर कर दिया तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ एलिमिनेशन मेथड्स है जिसकी वजह से आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी स्टेटमेंट जब तक एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, या सिर्फ आपने उसका सिर्फ नाम सुना है, आप गेस वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व्ड है। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marked as advanced 3G. ऐसे 3G and advanced 3G आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि जब भी आप मोबाइल 4G में कन्वर्ट कराने गए होंगे तो आपको ये साइन आया होगा LTE and VoLTE. तो इट इज नॉट रिलेटेड टू 3G. तो आपने एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, वन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो आपका A और C आंसर एलिमिनेट हो गया। लेकिन जब आप सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, LTE is data only technology and VoLTE is voice only technology, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि LTE is related to mobile network and VoLTE is software which transmit both voice and data, इस चीज की वजह से इंटरनेट कॉल होती है, तो आप एलिमिनेट कर देंगे, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आपका आंसर बनता है डी, नाइदर वन नाइदर टू। हमारा प्रिपरेशन इसी मेथड को फॉलो होना चाहिए। एक स्टेटमेंट के ऊपर हमें 5 से 6 लाइन आपको
मालूम होनी चाहिए जो आपको एलिमिनेशन में या आंसर देने में हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मियान तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन कंपोज द्रौपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रोन। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास। ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता होंगे जब तक ये आपने तानसेन के बारे में नहीं पता होगा। अब मैं ये बोलती हूँ कि ये सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन तानसेन का नाम दिया हुआ है, तो मींस तानसेन का अगर नाम दिया है मतलब वो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको उसको गूगल करना है, उसके ऐसे नोट्स तैयार करने हैं कि वो आपके A4 शीट में आधे पेज के हों, और A4 शीट के आधे पेज में आपके 4 से 5 या मैक्सिमम 10 लाइन आपको हर एक टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए, अभी आप UPSC के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उस टॉपिक को सब डिवाइड करें, उसको ब्रेक डाउन करें माइक्रो कंपोनेंट्स, माइक्रो टॉपिक्स में, और हर एक माइक्रो टॉपिक्स के माइन्यूट टॉपिक्स का भी आप 5 लाइंस आपको पता होना चाहिए, उसके नोट्स तैयार होने चाहिए आपके पास। इसी के साथ देखते हैं सिलेबस हमारा UPSC में क्या क्या कंपोनेंट्स डिमांड करता है। पहले तो दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल और नेशनली वो आपको मार्क करने हैं, नोट्स करने हैं, चाहे आप मैगजीन से पढ़िए चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़िए, बट कभी भी प्रिपरेशन के डे 1 से लेकर डे लास्ट तक के न्यूज़पेपर को पढ़ना ना छोड़िएगा। मार्केट में बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है, डोंट फॉलो दोज शॉर्टकट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल मॉडर्न कल्चर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आएगी जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये पॉलिटी में आएगा। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। मोस्टली सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस, ये आपका पेपर 1 का टॉपिक्स हो गया। मैंने एक PDF इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिवाइड करके आपको दे दूंगी। आप उसका प्रिंट आउट लेकर आप मार्क करना कि आपको किस, वहां पे सोर्सेज भी लिखे हुए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो आप कर लीजिएगा, आपको माइक्रो टास्क को और डिवाइड करने में और हेल्प हो जाएगी और आप सिलेबस को बहुत अच्छे से टाइमली प्रिपेयर कर पाएंगे। इस वीडियो में मोस्टली मैंने हिस्ट्री का डाला है PDF। हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, माइक्रो लेवल डिकोडिंग सिलेबस दे दूंगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट को ही माइक्रो लेवल पे डिवाइड कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। ऐसे और वीडियोस बनेगी जो आपको और भी कंपोनेंट्स को और भी सिलेबस के टॉपिक को डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगी या समझने में हेल्प होगी। पेपर 2 देखते हैं, 200 मार्क्स का होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी इसमें आएगा। मोस्टली इसके लिए आप RS अग्रवाल के वर्बल, नॉन वर्बल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पेपर 1 आपका SA का होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 1 कहा जाता है जो 250 मार्क्स का होता है।
पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू का होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है. जनरल स्टडीज पेपर थ्री 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर फोर 250 मार्क्स. ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, 250 मार्क्स 250 मार्क्स ईच. ऐसे ही टोटल हो जाता है 1750 मार्क्स. इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है और ग्रैंड टोटल आपका होता है 2025 मार्क्स का, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन होता है. प्रिपरेशन के दौरान हर एक सब्जेक्ट के माइक्रो सब्जेक्ट्स को जानना, माइक्रो टॉपिक्स को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उससे पहले हम हर एक सब्जेक्ट्स के एनालिसिस कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स से ज्यादा वेटेज आते हैं, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एनालिसिस से. हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 2019 में 17 क्वेश्चंस आए थे इन टोटल. 100 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चन आना बड़ी बात है. 2018 में 15 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में 14 क्वेश्चंस आए थे और 2016 में 15 क्वेश्चंस आए थे. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन है, बट इसके क्वेश्चंस आते हैं. वैसे ही अगर हम मेंस में देखें तो 2019 में आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आया था जो कि 20 मार्क्स का था. मॉडर्न हिस्ट्री से 50 मार्क्स का था. पोस्ट इंडिपेंडेंस से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, 21 साल आया था इनिशियली जब सिलेबस चेंज हुआ था तब. वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था 2018 में 35 मार्क्स, मॉडर्न हिस्ट्री का 10 मार्क्स का आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री के 15 मार्क्स का आया था. 2017 10, 65 एंड 10 मार्क्स का डिवाइड किया गया था, मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके से. 2016 में 25 मार्क्स, 37 मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री के थे, 10 मार्क्स वर्ल्ड हिस्ट्री के थे. 2015 में 25 मार्क्स इक्वली डिवाइड किया गया था, जिसमें कि 250 मार्क्स में से 25 मार्क्स ऐसे करके आपका हिस्ट्री का पोर्शन ही था जिससे हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे. तो आप ये देख सकते हैं कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री सेकेंड रोल प्ले करता है आर्ट एंड कल्चर. थर्ड रोल प्ले करता है वर्ल्ड हिस्ट्री. आर्ट एंड कल्चर बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को कंबाइन करके जो कल्चर का पोर्शन है, इंडियन कल्चरल, इंडिया के कल्चर का वो पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं. अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं. आप प्रिपरेशन मॉडर्न हिस्ट्री से करिए. एंशियंट मिडिवल के ऊपर एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर उतना ज्यादा टाइम मत दीजिएगा. आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री करिए, उसके बाद आप कल्चर करिएगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा. ये तीन आप इनिशियल फेज में करिए. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भले ही आपको बहुत कम वेटेज है, बट वो दूसरे सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा. आइए देखते हैं सोर्सेस क्या पढ़ने होंगे हमें. आप NIOS का मटेरियल यूज कर सकते हैं पढ़ने में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि टॉपिक मैंने एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड कल्चर ऑफ इंडिया के ये सारे NIOS के नोट्स आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे NIOS की साइट पर. फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो आप NCERT 11th एंड 12th ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना है आपने. ये मैंने आपको फोटोज दी है, यही NCERT, ये ओल्ड NCERT है और ये न्यू NCERT है. ये आपको दोनों ही पढ़ने होंगे, जिससे कि आपका एंशियंट RS शर्मा की है वो आपको एंशियंट इंडिया के कॉन्सेप्ट्स, आपके फैक्ट्स आपके वहां से क्लियर होंगे. मिडिवल हिस्ट्री ओल्ड NCERT है, सतीश चंद्र जी ने लिखी हुई है, काफी अच्छी बुक है. इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे मिडिवल और एंशियंट को लेकर. मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा की बुक है ये, प्लस मॉडर्न न्यू NCERTs आपको पढ़नी है ये. के साथ ही आपको जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा कि फैक्ट्स कौन से हैं. उसके लिए आप एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक पढ़िए. उसमें फैक्ट्स को डिवाइड करके दिया गया है क्रोनोलॉजिकली. उससे आपको ये पता चलेगा, इन बुक से आपको थ्योरी पता चलेगी, स्टोरीज पता चलेगी, इस बुक से आपको फैक्ट्स पता चलेंगे. बट डोंट रिलाय ऑन दिस बुक सोलली. आपको इससे पढ़ते पढ़ते बीच में फैक्ट्स नजर आए तो आप उसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा. ये सोर्सेस मेनली प्री और मेंस के लिए हैं. प्री में ज्यादा हेल्प करेंगे.
जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि राजीव अहीर ने लिखी हुई है वो स्पेक्ट्रम की बुक बाद में पढ़िए, बट पहले आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बुक और ये बुक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए काम आती है ये बुक को पढ़िए। मोस्टली ये बुक नॉवेल की तरह है, आपको स्टोरी आपको पिक्चर समझने में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। इसके बाहर आप मतलब ना समझे कि हिस्ट्री है, आप ये चीज सोचिए कि इसके बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एनालाइजिंग एंड डिमार्केटिंग कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये थोड़ा एक ट्रिकी टास्क है। लेकिन अगर आप एक पूरा पिक्चर समझ लेते हैं पूरी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का, तो आप कोई भी मेंस की क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर देंगे, आप फ्रेम कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, ये बीएल ग्रोवर की बुक है, ये काफी अच्छी बुक है। इन्होंने गवर्नर जनरल के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड करने के बाद में आपको उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स बताए हैं जो कि यूपीएससी गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको इस बुक से हेल्प होगी सॉल्व करने में। एक घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि एमसीक्यूज की बुक होती है, ये एमसीक्यू सेल्फ डिटरमाइंड नहीं है, सेल्फ डेवलप नहीं किए गए हैं, ये डिफरेंट यूपीपीएससी यूपीएससी यूकेपीएससी डिफरेंट जितने भी सिविल सर्विसेज की स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होती है उनसे लिए हुए क्वेश्चंस है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस है। आप कई बार इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या इधर यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, तो ये आप जरूर सॉल्व करिएगा, ये आपको जरूर बाय करना है। सी फॉर प्रिपरेशन यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। तो मेनली राइटिंग प्रैक्टिस एंड जो एमसीक्यूज सॉल्व करना है वो आप यहाँ से करिए, इसमें चैप्टर वाइज डिविजन है सारे क्वेश्चन को जो आ चुके हैं, तो इससे ये आपको पता चलता है कि यूपीएससी या अदर पीसीएस के लिए आपके पास में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेंस की बात करें तो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं इनिशियली चैप्टर खत्म करने के बाद आप उसे सॉल्व कीजिएगा, उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको आंसर लिखना आता है या नहीं आता है। बेसिकली आप वहीं से स्टार्ट करिएगा, ऐसे नहीं कि आपने इनिशियली स्टार्ट कर दिया 2019 के क्वेश्चन पेपर से, ऐसे नहीं। आप पहले बेसिकली जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे में दिए, हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सेकेंड टाइम पे यूपीएससी के जो मेंस के 2013 से पहले जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड 1995 में 96 में 97 में, उस समय उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए। अब हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। 1857 की रिवोल्ट, तिबाग पेजेंट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकेंड है आप नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स में आप चार चीजों को ध्यान रखिए। कभी भी हिस्ट्री में कुछ भी चीज पढ़ने से पहले आप ये सोचे कि हम इसका रीजन क्या है, जैसे 1857 की रिवोल्ट का रीजन क्या है, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की रिवोल्ट से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, प्रेजेंट मोमेंट से क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, 1857 की रिवोल्ट में किन पीपल ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर देखिए कि पर्सनालिटीज क्या है, कौन कौन सी पर्सनालिटी कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी है। इसी तरीके से आप ऐसे नोट्स बनाइए कि रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पीपल कौन कौन से पीपल ने पार्टिसिपेट किया है, फेमस पर्सनालिटीज कौन थे, लास्ट में आप देखिए प्रेस और लिटरेचर का क्या रोल रहा है। हमेशा प्रिपरेशन से के लिए आप क्रोनोलॉजी को ध्यान रखिए क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर पूछ लेंगे कौन से ईयर में कौन सा टेक्स्ट आया था, कौन से ईयर में कौन सा प्रेस आया था, कौन से ईयर में किसने कौन सा
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आम है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कल्चर, कल्चर इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया। ये हमारी मेंस का सबसे पहला टॉपिक है। इसके लिए आप 12th 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स करके एक एनसीईआरटी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप एनआईओएस का आर्ट एंड कल्चर का बुक भी पढ़ सकते हैं, सीसीआरटी की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। प्लस इनमें से 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी नई वाली है, उनमें कहीं कहीं कुछ कुछ पोर्शंस में कल्चर के बारे में जिक्र किया गया है। उन सबको कंबाइन करके आपको नोट्स बनाने होंगे। प्लस इसके साथ साथ आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं, आपका इन सबको मिला के आपका कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल्चर पोर्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो कंबाइंड ही पढ़ाई करें, मेंस अलग नहीं, प्रीलिम्स अलग नहीं, ऐसे मत करिएगा। जो भी है साथ में करना है, वैसे ही मॉडर्न इंडिया जो भी करना है साथ में करना है, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें कोई करंट अपडेट नहीं होगा। सेकेंड मेंस का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवन पर्सनैलिटी इश्यूज। जब आप बेसिक टेक्स्ट नॉवेल बिपिन चंद्र की जो बुक है वो आप पढ़ लें, तो उसके बाद जब आपके पास में मेंस के लिए कम समय बचेगा तब आप स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बिना हिस्ट्री को समझे, बिना आइडियाज लगाए आपको समझेगी नहीं। क्यों? बिकॉज स्पेक्ट्रम इज मोस्टली नोट्स, वो नोट्स की तरह आप उसको इस्तेमाल करें कि हाँ ये मेरे नोट्स हैं, मुझे ये मेंस के पहले 5 दिन में 10 दिन में रिवाइज करने के काम आएंगे। उसके लिए आप बेसिकली आप इनिशियल प्रिपरेशन में उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो बनेगी, आपका प्रिपरेशन लेवल जो बनेगा, आपका प्रिपरेशन का इन डेप्थ नॉलेज जो बनेगा, वो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बनेगा। वो स्पेक्ट्रम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी नहीं। आपको बेसिकली जो डिफरेंट टेक्स्ट है उसको पहले पढ़ना है, बाद में आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कीजिएगा। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये पोर्शन भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। बट पहले जैसा मैंने कहा, आप पहले बिपिन चंद्रा को पढ़िए, उससे भी नोट्स निकालिए, कंबाइन करके अपने नोट से पढ़िए। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, बिपिन चंद्रा, इंडियन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बुक है, इसको आपको पढ़ना होगा। वो उससे ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डी कोलोनाइल, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। आप सबसे पहले तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री ये बुक पढ़िए। मेरे हिसाब से ये बुक सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप मॉडर्न वर्ल्ड की बीवी राव की ये बुक को रेफर कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हिस्ट्री इज वास्ट बट गिवन वेटेज टू दैट पोर्शन फर्स्ट विच गिव यू मोर क्वेश्चन। तो उसको एनालाइज करें, उसको पढ़ें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग एंड मगिंग अप इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज यू हैव टू राइट आंसर इन 5 मिनट्स। तो हमेशा डे वन से आप ये ध्यान रखिए कि आपको आंसर 5 मिनट में लिखना है। इसलिए आप जितना क्रिस्प से क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा रिटेन होगा, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स बनाऊँ, थर्ड रीडिंग के बाद नोट्स बनाऊँ, आपके ऊपर है आप कब नोट्स बनाएं। बट जैसे ही आप सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें, विद इन 3-4 डेज उसके नोट्स बनाना शुरू कर दें। ट्रेडिशनल स्टैटिक पोर्शन को आपको मग करना पड़ेगा, विदाउट मगिंग यू विल नॉट बी एबल टू राइट आंसर्स। वर्ल्ड हिस्ट्री शुड नॉट बॉदर यू बिकॉज हार्डली 2-3 क्वेश्चंस कम, लेकिन उसको पढ़िए, उसको जानकारी लीजिए, उसकी क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। लिंक आर्ट एंड कल्चर विथ न्यूज़पेपर, क्योंकि मोस्टली चांसेस ये हैं कि अगर कोई
डांस न्यूज़पेपर में आया है, कोई ड्रामा या कोई फेयर या किसी मॉन्यूमेंट की बात करी है, तो चांसेस आर मोर कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखेगा. इनिशियली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर एवरी चैप्टर इन एनसीईआरटी. ये मैंने आपको पहले ही बताया है. प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली एंड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. राइट आंसर ऑफ ओल्ड यूपीएससी मीन्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर. मेक नोट्स, डोंट फॉरगेट टू लर्न क्रोनोलॉजी. एक बात आप और कर सकते हैं कि ऑप्शनल की सॉल्व पेपर की बुक आती है. अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है तो आप उस बुक को लेकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है या किस पोर्शन में किस तरीके से आंसर लिखना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है. वो पीडीएफ माइक्रो डिवाइड किया गया है. माइक्रो लेवल पे हर एक टॉपिक को, हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है. आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए. रिलेटेड टू दिस प्रिपरेशन यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम. कमेंट करिए आप इस कमेंट बॉक्स में. आई विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को और एनालाइज करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.